मुख्यमंत्री सारथी योजना अंतर्गत बिरसा योजना के तहत कौशल विकास की ओर से यहाँ पर बच्चियों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कई क्षेत्रों में यहाँ पर प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा है और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसका शुभारंभ कर दिया है। लेकिन कई यहाँ पर हम लोग जो बच्चियाँ हैं इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या चीज़ का प्रशिक्षण जो है वो ये ले रही हैं। कब से आप लोग इस योजना के साथ जुड़ी, क्या कुछ सीखने को मिला? जी यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है। ट्रेनिंग यहाँ कर रहे हैं सिलाई और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा मतलब इंग्लिश क्लास मिलता है, सॉफ्ट स्किल, कंप्यूटर, आईटी क्लास, एफडी क्लास मिलता है, बहुत कुछ यहाँ सब कुछ मिलता है सीखने के। कब से जुड़े यहाँ हम लोग? हो गया तीन मंथ हो जाए बस निकलने वाला है हम लोग 5-6 दिन बाद। कैसा लग रहा है आप लोग, क्या क्या कुछ सीखे अभी तक, क्या क्या कुछ समझ में आया? हम लोग के यहाँ के बहुत कुछ समझ में आया। पहला कि हम लोग पहले घर पे सिलाई नहीं कर पाते थे क्योंकि हम लोग बहुत उधर जंगल, बहुत जंगल झाड़ है, हम लोग घर पर वैसे नहीं मिलता है। तो हम लोग के यहाँ बहुत कुछ सीखने को, जैसे कि हम लोग अपना कपड़ा नहीं सिल पाते, जैसे स्ट्रेट पैंट सूट वगैरह हर कुछ हम लोग शर्ट बनाने के लिए सीखे। और प्लस में हम लोग साथ साथ यहाँ और ब्यूटिशियन क्लास दिया गया, एफडी क्लास, जैसे कि हम लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं कपड़ा वो वगैरह सब कुछ हम लोग सीखे। मॉडलिंग भी सिखाया जा रहा है क्या? जी मैम, यहाँ पे मॉडलिंग के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है। इसका शो भी हुआ था जिसमें हम लोग को हर कुछ यहाँ एसएमओ से अलग रिलेटेड मिलता है, सॉफ्ट स्किन हो गया, एफडी क्लास हो गया, फिर ये कंप्यूटर हो गया। हम लोग अलग जगह पे प्लेसमेंट जाते हैं तो हम लोग को वहाँ का भी भाषा थोड़ा अलग रहता है ना, तो हम लोग इंग्लिश टॉकिंग के लिए सिखाते हैं सॉफ्ट स्किल, जिससे कि हम लोग समझ सके उन लोग का भाषा, वहाँ कुछ बहुत बोल सके। क्या क्या कुछ आपने सीखा, क्या अभी तक आपने कुछ बनाया वहाँ पर? हाँ, कुर्ती बनाया और शर्ट बनाया, प्लाजो बनाया, मास्क बनाया, बहुत स्ट्रेट बनाया, बहुत बेचने का प्रयास किया, मतलब सेल करने का कोशिश किया उसे? हाँ करेंगे, अभी घर जाएंगे तब ना। अभी कंपनी मतलब पूरी की है तो सीखेंगे उसके बाद एक्सपीरियंस बढ़ेगा। कंपनी का प्लेसमेंट वगैरह आ रहा है? हाँ मैम, यस मैम आ रहा है, बस हम लोग 12 तारीख को निकलने वाले हैं। कहाँ कहाँ का प्लेसमेंट आया है? जी हम लोग का त्रिपुर का आया है। त्रिपुर का आया, यस मैम। हम लोग का 27 तारीख का फेयरवेल हो जाएगा और फिर वहाँ से आएंगे। ऐसा पैकेज कैसा है वहाँ का, कितना मतलब महीने का सैलरी जो है वो कितना वहाँ से अभी फिलहाल मिल रहा है? स्टार्टिंग 10,000 साढ़े 8,000 है। अपॉइंटमेंट लेटर आ गया? यस मैम आ गया है। कितनी खुशी है आप लोगों में? बहुत खुशी है मैम, बहुत खुशी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पहुँचे हुए हैं और जानेंगे कि आखिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या नहीं, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं ये भी हम लोग इनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? नो मैम, हम 12th तक अकबर कंप्लीट किए हैं। 12th तक पढ़ाई? यस मैम। आगे ग्रेजुएशन करने की इच्छा है? यस मैम, पढ़ाई के साथ साथ कंपनी में जॉब करने जाएंगे। पढ़ाई भी करेंगे जॉब भी करेंगे? यस मैम। मैनेज कर लीजिएगा पढ़ाई और जॉब दोनों? यस मैम। कैसे करिएगा? ऑनलाइन क्लास। आगे क्या करना है, क्या इसी क्षेत्र में फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना है या कुछ और बनने की इच्छा है? और बनने की इच्छा? क्या बनना चाहती हैं? ट्रेनर बनना चाहती हैं। किस क्षेत्र में ट्रेनर बनना चाहती हैं? यही अपना रांची में, फैशन डिजाइनिंग में। यस मैम। आप बताइए आपके क्या सपने हैं? हमारे सपना है कि हम जैसे आज जो सोराय पेंटिंग की है उससे रिलेटेड और मतलब अच्छा बनाए और कुछ आगे कर सके और इसे उभार सके पूरे झारखंड में। तो आपने जी हमारे जैसे और भी मतलब लोग जुड़े इस मुख्यमंत्री सारथी योजना से और हमारे जैसे और करे और आगे बढ़े और अपने नौकरी में अवसर प्राप्त करें। तो आप लोगों ने यहाँ पर इन बच्चियों की बातें सुनी और यहाँ पर आपको बता दें कि अगर इन बच्चियों को 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद अगर रोज़गार नहीं मिलता है तो लड़कियों को यहाँ पर 1500 रुपये हर महीने रोज़गार भत्ता के रूप में दिया जाएगा, और वहीं अगर लड़कों की बात करेंगे तो उन्हें अगर रोज़गार नहीं मिलता है तो उन लोगों को 1000 रोज़गार भत्ता जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। हम लोग पहले आपको सुनाएंगे यहाँ पर कि आखिर श्रम एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनिए। देखिए अभी शुभ महीना सावन का है और आज बहुत खुशी का दिन है कि राज्य सरकार ने जो प्रोत्साहन राशि जो हम जो होते हुए हम लोगों ने कमिटमेंट किया था आज हम लोग शुभारम्भ करने वाले हैं।
1000 रुपया युवाओं को और 1500 रुपया युवतियों को, हम लोग आज कई लोगों के खाते में जाएगा। और मुख्यमंत्री साथी योजना आज लॉन्च हो रहा है, उसमें बिरसा योजना है, उसमें हम लोग 80 प्रखंड राजभर में शुभारम्भ हो जाएगा। जब 80 प्रखंड जब प्रशिक्षण समाप्त होगा तो फिर हम लोग सेकेंड फेज का शुरू करेंगे ना। 264 प्रखंड है राज्य में, सभी प्रखंडों में हम लोग प्रशिक्षण भी दिलाएंगे और सभी को रोजगार से जोड़ने काम करेंगे। अस्सी प्रखंड हो रहे हैं। और ये हाईटेक योजना है, ये बहुत युवा युवतियाँ सब खुशी है कि सभी हुनरमंद होंगे। और सरकार ने जो एक्ट बनाया है 75%, उसको हम लोग 37 भी लागू कर रहे हैं, सबको रोजगार से जोड़ रहे हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर मंत्री की बातें सुनी, आखिर उन्होंने यहाँ पर क्या कुछ कहा है और बच्चियों के सपने जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुना कि आखिर बच्चियाँ क्या कुछ करना चाहती है, किस तरीके से कौशल विभाग में किस बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।